सत श्री अकाल पी टी सी वेखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। तो हुण वेखदे आ खबरां विस्तार दे नाल। सब तो पहला गल करदे आ पी आर टी सी दे मुलाजमान की, जिन्हां दा अज गुस्सा फुटदा विखाई दिता। जी हाँ, तनखाहां ना मिलन खराब पी आर टी सी मुलाजमान का अज गुस्सा फुटिया। तो गुस्सा भी अजिहा फुटिया कि पटियाला दे विच पी आर टी सी मुलाजमान ने बस अड्डे दे सारे गेटां दे उपर ताले जड़ दिते। जी हाँ, बसां दे ना निकलन दा राह ना अंदर आउण दा राह दिता गया। बसां दी एंट्री बंद होण कारण यात्री तो काफ़ी परेशान होए सो होए, सगो सड़कों पर भी लंबा जाम लगता विखाई दिता। जी हाँ, ना तो बस अड्डे अंदर बस आन दी जा रही है, ना बाहर जान दी जा रही है। मुलाजमान के इस एक्शन के कारण बस अड्डे के बाहर लंबा जाम वेखन मिलया। लंघे दो महीनों दी पेंडिंग तनखाह ना जब तक नहीं मिलती उद तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान पी आर टी सी के मुलाजम कर चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर रोश मुजहरे दी वेख पा रहे हो। पी आर टी सी के मुलाजम तनखाह ना मिलन कारण अके विखाई दे रहे हैं। तस्वीर तुम वेख पा रहे हो, खजाना मंत्री के खिलाफ मुरदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पंजाब सरकार के खिलाफ मुरदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गुस्सा रोस इस गल को लेकर है कि आखिरकार तनखाह दो महीने तो क्यों नहीं दी जा रही। मुलाजमान का कहना है कि घर के खर्चे चुकने औखे हो रहे हैं, परिवार का ढिड पालना औखा हो रहा है, दो महीने तो तनखाह नहीं दी। ਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ट्रांसपोर्ट सैकटरी भेजे, अजे तक किसी ने मीटिंग सदन की जहमत नहीं उठाई। तो तस्वीर तुम वेख पा रहे हो, पी आर टी सी मुलाजमान का कहना है कि मंगा संबंधी सरकार तक आवाज़ पहुँचाई गई पर सरकार सुन के राजी नहीं, ऐसे करके अज उन्होंने वालों एक कदम चुकया गया।